नमस्कार सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे क्षेत्रवासी, मेरे देशवासी सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। मैंने अपने कोरोना टेस्ट 12 तारीख को कराया और 13 तारीख को मेरा जो रिपोर्ट आया वो पॉजिटिव आया। अभी मैं कोरोना पॉजिटिव हूं और मुझे कोरोना पॉजिटिव होने का दुख नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत बार काम किया और ऐसे झटके बहुत बार लगे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परेशानी क्या हो रही है, परेशानी ये है कि मैं जिस समय अपने क्षेत्र की जनता के बीच में मुझे होना चाहिए था, अभी हमारे क्षेत्र को, हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे क्षेत्र की जनता को मुझ जैसे बहुत से लोगों की जरूरत है। तो दुख यह है कि जिस समय मुझे अपने क्षेत्र की जनता के बीच में उनकी सेवा करने के लिए होना चाहिए था, आज मुझे घर में बंद रहना पड़ रहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक दो दिन में दोबारा फिर टेस्ट कराऊंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी जितनी जल्दी से जल्दी मैं टेस्ट कराऊं और मेरी रिपोर्ट जितना जल्दी नेगेटिव आ जाएगी उतना जल्दी, जिस दिन ये रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी उसी नेक्स्ट डे से मैं आपके बीच में आपकी सेवा के लिए दोबारा आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक आपके बीच में आपके चरणों के हाथ लगाकर आपके आशीर्वाद के लिए दोबारा आपके बीच में खड़ा हो जाएगा। और इस बीच में ऐसा नहीं है कि मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। जिस भी व्यक्ति को, जिस भी क्षेत्रवासी को, जिस भी परेशान व्यक्ति को मेरी जरूरत है, मुझे 24 घंटे कभी भी, मुझे रात को भी फोन कर सकते हैं। कोई भी परेशानी है मैं कोशिश करूंगा कि अपने उनके फोन पर भी उनकी परेशानी को दूर कर सकूं। और उसके लिए मेरा कार्यालय भी सुधावपुरी में, जहां मेरा निवास है, वहां मेरे नीचे कार्यालय है। सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक मेरा कार्यालय ओपन है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कार्ड बनवाना हो, कोई भी काम कराना हो, मेरे साथी, मेरे दोस्त वहां सभी उपलब्ध हैं आपकी सेवा के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी मिलेंगी, जिससे मैं जल्दी स्वस्थ हो सकूं और आपके बीच, आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक दोबारा आपके बीच आपकी सेवा के लिए हाजिर हो सके। इसके लिए मैं आपसे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से मुझे स्वस्थ करें, जिसकी वजह से मैं आपकी दोबारा से सेवा कर सकूं। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इस बीमारी से लड़ने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। लड़ना कैसे है, गाइडलाइन फॉलो करके। जरूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूरी बनाकर रखें, जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि आप सभी की दुआएं और आशीर्वाद मुझे मिलेंगी और मैं जल्दी स्वस्थ होकर वापस आपके चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से आशीर्वाद लेते हुए, दुआएं लेते हुए, आप सभी के बीच में आने के लिए आप सभी की दुआएं मुझे मिलेंगी, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है और ईश्वर से कामना है। मैं जल्दी आपके बीच में आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।